में अब पी मैट्रिक्स हमारे पास ये है सिमेट्री मैट्रिक्स, और क्यू मैट्रिक्स हमारे पास ये थी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। क्या था क्वेश्चन कि एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स को जब एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ए मैट्रिक्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स सेम आ रही है। कैसे आ रही है, तो हमारे पास पी और क्यू को जब हम ऐड कर लेते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, तो पी प्लस क्यू जब कर रहे हैं तो पी हमारे पास ये रहा और क्यू ये है, 2 + 0 जब हम कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 2 ½ - 3/2, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है माइनस का 1 5/2 - 3/2, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1 - ½ - 3/2 को जब सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 0 + 3 को जब सॉल्व कर रहे हैं 3 - 3 + 1 कर रहे हैं तो -2, अब -5/2 और -3/2 मतलब -8 ये हो जाएगा माइनस का 4 3 + 1 ये हो जाएगा 4 और 0 - 3 ये कितना हो गया अपना -3 आ गया। तो सिमेट्री मैट्रिक्स उसकी सिमेट्री मैट्रिक्स का जब हमने सम किया तो किसके इक्विवेलेंट आ गया 2 - 1 - 2 3 - 2 - 4 - 4 - 3 और ये किसके इक्विवेलेंट है ए मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है, और ए मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास ये थी, इसके इक्विवेलेंट आ गया। नेक्स्ट जो है इसमें स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास है हैमिल्टन एंड स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या है कि जो एलिमेंट है ए आई जे एलिमेंट उसका ट्रांसपोज हो जाएगा मतलब उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये बाहर का मतलब क्या होता है कॉन्जुगेट, मतलब कि कॉन्जुगेट आपने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि अपन जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आईटा वाई, तो जेड कॉन्जुगेट क्या था हमारे पास एक्स माइनस आईटा वाई, मतलब इमेजिनरी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो अब इसमें कर रहे हैं ए आई जे किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा ए जे आई टू द पावर बार, बार मतलब उसका कॉन्जुगेट कर दिया। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए इक्वल टू ए थीटा, थीटा इसका मतलब ए थीटा का मतलब क्या आ रहा है ए बार का कॉन्जुगेट, ए बार का कॉन्जुगेट कर रहा है। जैसे कि एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 - 4 - 5 + 2 इस टाइप से हमने मैट्रिक्स ली, तो पहले इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं और फिर कॉन्जुगेट करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज जब हम कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज जब हमने किया तो क्या मैट्रिक्स आई 3 जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई 3 - 4 - ये 5 + 2 - और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गया 3 + 4 - 5 - 2 - थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो गई 5 - 2 - 2 - और 2। ये हमने ट्रांसपोज निकाल लिया लेकिन हमको चाहिए क्या कॉन्जुगेट चाहिए। अब इसका कॉन्जुगेट करते हैं, तो कॉन्जुगेट हमने सीखा था क्या था कि इमेजिनरी वैल्यू का जो साइन है वो चेंज रहता है। तो ए ट्रांसपोज तो हमने कर दिया, अब इसका एक कॉन्जुगेट भी कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ए कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट मतलब क्या हुआ जहां जहां आईटा है उस पर साइन चेंज कर दिया हमने, ये प्लस हो जाएगा ये प्लस हो गया, यहाँ ये रियल वैल्यूज है इनपे कुछ इफेक्ट पड़ नहीं रहा, ये सारे साइन चेंज हो गए ठीक है। अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ए मैट्रिक्स थी हमारे पास 3 - 3 + 4 - 5 - 2 - सेम आ रहा है, इधर भी 3 - 4 - 5 - 2 - आ रहा है, इधर भी 5 + 2 - 2 + और 2 सेम आ रहा है। तो मतलब ये कंडीशन क्या होगी कि ए मैट्रिक्स ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर बन रहा है ए थीटा बन रहा है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स बोल रहे हैं। हर्मिटियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी क्या हमको ध्यान में रखनी है, इफ ए इज ए हर्मिटियन मैट्रिक्स देन ए आई आई इक्वल टू ए आई का कॉन्जुगेट, मतलब इसमें कंडीशन क्या है आई आई का मतलब डायगनल एलिमेंट हो गया कि a11 a22 a33 इनका कॉन्जुगेट करेंगे तो वो क्या आएगा रियल वैल्यूज ही आएगा। देखिए इधर जब हमने कॉन्जुगेट किया था तो इधर कोई इमेजिनरी वैल्यू थी नहीं, तो ये एस टीज आ गई 3 5 2 एस टीज आ गई, मतलब दस एवरी डायगनल एलिमेंट मैट्रिक्स मस्ट बी रियल, मतलब हर्मिटियन मैट्रिक्स के अंदर क्या होना चाहिए एवरी डायगनल एलिमेंट जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए रियल होने चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट था इसके अंदर हमारे पास हर्मिटियन इस मतलब स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का मतलब अभी आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या था कि ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर रहे थे वो क्या आ रहा था माइनस ऑफ ए आ रहा था, तो इसके अंदर भी हम वही कर रहे हैं कि ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज करने के बाद उसको कॉन्जुगेट कर रहे हैं, कॉन्जुगेट माइनस टाइम में क्या आना चाहिए अगर इस टाइप से माइनस टाइम से आ रहा है तो वो
स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बन रहा है, मतलब कि ए थीटा हमने अभी देखा था क्या है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे देते हैं कि ए मैट्रिक्स हमने ये ले ली, 3i(-3+2i)-1 i, इस टाइप से मैट्रिक्स ले ली, ए थीटा कर रहे हैं, ए थीटा का मतलब उसका कॉन्जुगेट भी कर रहे हैं और ट्रांसपोज भी कर रहे हैं। तो कॉन्जुगेट मतलब क्या हो गया कि इसका हमने जैसे कॉन्जुगेट किया तो क्या आ गया, 3i तो क्या हो गया -3i। फिर ये वाली टर्म कहाँ आएगी, नीचे आज कॉलम में आ जाएगी, क्योंकि अपन ट्रांसपोज भी साथ में करते हुए चल रहे हैं। तो ये -3+2i था, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, -2i, तो -3 - 2i। इधर -1 - i तो क्या हो गया, -1+i, तो ये आ गया -1+i। अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगी कैसे, तो 3+2i, तो पहले इमेजिंग का साइन चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा 3 - 2i। -2i तो इमेजिंग का साइन चेंज हुआ, क्या हो गया, 2i हो गया। और -2 - 4i का साइन चेंज कर रहे हैं तो क्या आ गया, 2 - -2+4i आ गया। ऐसे ही थर्ड का जब हम चेंज कर रहे हैं तो ये 1 - i तो क्या हो जाएगा, 1+i हो जाएगा। मतलब कॉन्जुगेट के साथ साथ हम ट्रांसपोज भी करते हुए चल रहे हैं। 2 - 4i क्या हो गया, 2+4i हो गया। 0 का एलसीएम 0 ही हो गया। तो अब इस मैट्रिक्स से हम कंपेयर कर रहे हैं तो सब कुछ सेम आ रहा है, लेकिन साइन की दिक्कत आ रही है। तो इसी मैट्रिक्स के अंदर अगर माइनस साइन हम कॉमन ले लें, माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो ये मैट्रिक्स वापस क्या बन जाएगी, ए मैट्रिक्स ही बन जाएगी। जैसे माइनस अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, इसी में कर लेते हैं, एक थीटा जो अपना बन रहा है, माइनस साइन अगर मैंने कॉमन लिया तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे दोनों, ये माइनस आ गया, ये माइनस यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये बीच में माइनस और वो जीरो। अब कंपेयर करते हैं सेम आ रहा है क्या, तो 3i(-3+2i)-1 i सेम है, फिर -3i(-3+2i)-2i(-4i)-1 i -2 - 4i 0 सेम आ रहा है। तो मतलब किसके इक्विवेलेंट आ गया ये, ए थीटा जो था किसके इक्विवेलेंट आ गया, माइनस ए के इक्विवेलेंट आ गया। तो जब माइनस ए के इक्विवेलेंट आ रहा है तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो रही है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हो रही है। तो ये डिफरेंस समझ में आया हमें, हर्मिटियन में तो क्या हो रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए के मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट ही आ रहा है, तो वो हर्मिटियन हो रहा है। और स्क्यू हर्मिटियन का मतलब क्या हो रहा है कि हम माइनस साइन कॉमन लेके वो सेम मैट्रिक्स बनेगी, तो वो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बन रही है। नेक्स्ट जो है स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में वो है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या है कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के अंदर ए स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है, ए के इक्विवेलेंट होता है। अगर ए का हम स्क्वायर करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट आ रहा है, ए के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। कैसे, जैसे ए मैट्रिक्स हमने ये मान ली कि ए मैट्रिक्स हमारे पास है, अब इसका ए स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर हमको पता है कि एलिमेंट का स्क्वायर नहीं करना होता, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए इंटू ए जब हम करके देख रहे हैं तो हाफ हाफ ये हम देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके तो यहाँ क्या आ रहा है, हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1/4 प्लस हाफ को इस हाफ से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1/4 सेकेंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं तो भी कितना आ जाएगा, 1/4 1/4 ये भी आ जाएगा 1/4 1/4 ये भी 1/4 1/4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो किस फॉर्म में आ रहा है, 1/4 + 1/4 कितना हो गया, 1/2 ये भी 1/2 ये सब किसके इक्विवेलेंट आ गया, ए के इक्विवेलेंट आ गया। तो ए स्क्वायर जब हमने किया था तो किसके इक्विवेलेंट आ गया, ए के इक्विवेलेंट आ गया। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गई। जैसे एक और देखते हैं, ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास, इसका स्क्वायर करते हैं तो इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या करते हैं, इसी मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 0 0 0 और ये हम एक बार हटा लेते हैं, 1 0 0 0 क्या आ रहा है, 1 को जब इससे कर रहे हैं 1, फिर 0 को 0 से हो गया, फिर 1 0 0 0 तो ये तो 0 हो गया, फिर 0 0 करेंगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा, और 0 0 करेंगे तो ये फिर 0 ही आ जाएगा। तो ये भी किसकी इक्विवेलेंट हो गई, ए के इक्विवेलेंट हो गई। मतलब किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर रहे हैं और वो एक इक्विवेलेंट ही आ रहा है, तो कौन सी मैट्रिक्स आ रही है हमारे पास, ठीक है। अब इसी टाइप से इन्वर्टेड मैट्रिक्स है,
इन मॉलिट्री मैट्रिक्स के अंदर क्या कर रहे हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई के इक्विवेलेंट है। आई मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू ए। कैसे लिख रहे हैं, जैसे कि ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेते हैं ए इंटू ए, और ये आई है, बोथ साइड हमने क्या करा ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ए इंटू ए इनवर्स तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये तो आई ए हो गया, और आई इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, क्योंकि आई तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो कोई मतलब ही नहीं है, टू को वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू ही आएगा, थ्री को वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो थ्री आएगा, ऐसे ए इनवर्स को आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए इनवर्स ही आ रहा है, और इधर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कंडीशन क्या बन गई, ए इंटू आई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये हो गया ए इनवर्स इक्वल टू ए। और इनवर्स कैसे निकलता है वो हम डिटरमिनेंट टॉपिक के अंदर देखेंगे आगे, अभी हाल फिलहाल हम ये देखते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई ये कैसे बन रहा है। तो ए स्क्वायर करके देखते हैं हम इसको एक बार, इसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ए इंटू ए जब हम कर रहे हैं 1001 को 1001 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 into 1 1, 0 into 0 0 हो गया, फिर 10 को इससे करेंगे तो 1 into 0 0, 0 into 1 0 हो जाएगा, फिर 01 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से तो 0 into 1 0, 1 into 0 0 हो गया। अब इसको इससे कर रहे हैं तो 0 into 0 0, 1 into 1 1, तो ये डायगनल क्या एलिमेंट आ रहे हैं इसके, 1 1 आ रहे हैं, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, किस ऑर्डर की, 2 की, क्योंकि हमारे पास ए मैट्रिक्स भी किस में थी, 2 फॉर्म में थी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस फॉर्म में आई है, हमारी 2 ऑर्डर फॉर्म में ही आई है। तो ये दो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखी हमने, आगे और स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, हम देख रहे हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट पी बिलोंग्स टू एन। पी बिलोंग्स टू एन का मतलब क्या हो गया, सच दैट ए टू द पावर पी इक्वल टू जीरो, मतलब पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ए को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर, इस टाइप से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अगर जहां वो जीरो आ गया, मतलब पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे जीरो आ गया, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है, और वो पी कितना बिलोंग कर रहा है वो भी हमको लिखना होता है। तो कैसे, ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास, तो अब इसने बोल दिया कि ये एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम पावर करते जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो हमको करना पड़ेगा। तो जैसे कि पहले ए स्क्वायर कर रहे हैं, ए स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ गया, 0 0 1 0, और 0 0 1 0 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 को इससे करेंगे तो जीरो आ गया, 0 0 को इससे करेंगे तो ये भी जीरो आ गया, और 1 0 को इससे करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, 1 0 को जब इस कॉलम से करेंगे तो ये भी जीरो आ जाएगा, मतलब पूरा आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो मतलब इसमें ए स्क्वायर करने पे हमारा जी क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ये बन गया इंपोर्टेंट मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब यहाँ पर पी किसको बिलोंग कर रहा है, पी की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है कि ए मैट्रिक्स इंपोर्टेंट मैट्रिक्स है तो बताइए पी किसको बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, मतलब कितनी टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उसको, तो वो किसके इक्विवेलेंट आ जाए, जीरो मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आ जाए।